नमस्कार आप सभी को। आज हम एमकेटे के फ्लैश टीवी एचडी का रिव्यू करेंगे जो कि 3000 कीमत में उपलब्ध है। देखेंगे कि इसमें क्या खासियत है और दूसरों से यह किस तरह से बेहतर है, इस प्लेयर में क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं। मैंने इससे पहले गूगल क्रोमकास्ट ट्राई किया है, मुझे उम्मीद थी कि वह हर पहलू पर खरा उतरेगी, पर इसे उपयोग करने के बाद यह बात समझ में आई कि गूगल क्रोमकास्ट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट्स को प्ले करने के लिए बने हैं। यदि आपके पास बहुत सारे ऑफलाइन वीडियो हैं और उनको बिना रुकावट के टीवी पर प्ले करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, तो क्रोमकास्ट कहीं भी उपयोगी साबित नहीं होता है। ऑफलाइन कंटेंट्स को क्रोमकास्ट के माध्यम से टीवी पर स्ट्रीम करने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। एमकेटे एचडी प्ले एंड प्लग एक एडवांस डिवाइस है। सामान्यतः हम पाते हैं कि आजकल के सभी एलसीडी टीवी पैनल्स जिसमें यूएसबी पोर्ट होते हैं, जिसकी मदद से हम फोटो, वीडियो और गाने टीवी पर देख, सुन और समझ सकते हैं, मगर इन बिल्ट यूएसबी सिस्टम की कुछ कमियां होती हैं। इसका मतलब यह कि टीवी छोटे फाइल आपके लिए बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं, मगर बड़े फाइल्स को हैंडल करने में इस टीवी सिस्टम में समस्या आती है। तब हमें एक मजबूत मीडिया प्लेयर की आवश्यकता महसूस होती है। एमकेटे टीवी की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, मेरे अनुसार इसकी कीमत 1500 से 2000 के बीच होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार में और कुछ बेहतर विकल्प नहीं है, इसलिए हमें इसकी कीमत से समझौता करना पड़ेगा। अब हम इसकी खूबियों के बारे में बात करते हैं। यह सभी प्रकार के ऑडियो, वीडियो और इमेज फाइल्स को प्ले कर सकता है। टीवी स्क्रीन से जोड़ने के लिए इसमें तीन प्रकार की कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑडियो वीडियो केबल, दूसरा HDMI केबल और तीसरा VGA केबल, जो सामान्यतः कंप्यूटर मॉनिटर और प्रोजेक्टर में पाया जाता है। इसका मतलब यदि आपके पास स्पेयर में कंप्यूटर स्क्रीन है तो उसको भी हम इस प्लेयर के साथ उपयोग कर सकते हैं। एक्सटर्नल मीडिया कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट दिया गया है। इस पोर्ट की मदद से हम हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और एक्सटर्नल सीडी ड्राइव को जोड़ सकते हैं और अलग से एक SD कार्ड के लिए भी कनेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। हम SD कार्ड को सीधा कनेक्ट करके उसके मीडिया को इस प्लेयर की मदद से प्ले कर सकते हैं। यह इन सारी चीज़ों को बखूबी प्ले करता है। इसका ऑन स्क्रीन ऑपरेटिंग मेनू बहुत ही सिंपल है। इसमें ऑडियो वीडियो के साथ ही फाइल मैनेजर भी दिया गया है। इसमें वीडियो को सबटाइटल की मदद से भी देखा जा सकता है यदि आपका वीडियो सबटाइटल सपोर्ट करता है। यह 1080p के HD वीडियो फाइल्स को भी बड़ी आसानी से प्ले कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसके अंदर एक फ्लैश टीवी HD प्लेयर, एक रिमोट कंट्रोल, एक ऑडियो वीडियो केबल, एक पावर एडाप्टर, एक यूज़र मैनुअल और एक HDMI केबल दी गई है, जो 500 रुपये की कीमत है और बॉक्स के अनुसार जो कि फ्री में दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कमियां क्या हैं। पहली कमी तो यह है कि यह ऑनलाइन कंटेंट को प्ले नहीं करता। दूसरी कमी यह हो सकती है कि यह कभी कभी हैंग हो जाता है। ऐसी हालत में हमें इसको फिर से रिबूट करना होता है ताकि हम मीडिया को देख सकें। बाज़ार में इस कीमत में एंड्रॉयड TV भी मौजूद है, मगर कम कीमत होने की वजह से वह बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, ना ही वो एंड्रॉयड TV अपडेटेड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव लाइक द कंटेंट आई हैव प्रोवाइडेड यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।